गाइस तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। अभी जा रहा हूँ अगरतला से सबरूम की तरफ। उदयपुर उतरेंगे पहले या फिर सबरूम चले जाएंगे डायरेक्ट, देखते हैं क्या होता है। भाई देख रहे हैं ना, बैठ जाते हैं ट्रेन में भाई। सो एक और वीडियो में स्वागत है भाई। अभी हम जा रहे हैं सबरूम, तो गाड़ी खड़ी है वो सामने, चलते हैं फिर। तो भाई चल रही है कि जा रुक रही है भाई? देख रहे हो भाई मौसम तगड़ा हो रहा है एकदम, बारिश वाला है ना। ट्रेन ऐसी जगह रोकी है, चार पांच डिब्बे है भाई, देख रहे हो, एक दो तीन चार पांच डिब्बे हैं। तो भाई मैं हूँ अभी अगरतला में, और अगरतला से निकल गई, और अभी कहाँ है समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सबरूम, सबरूम ऐसा कुछ नाम है, तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके अपना मैत्री जो है ना गेट वो देखूँगा, उसके बाद वापस रिटर्न आ जाएंगे या फिर मणिपुर की तरफ निकल जाएंगे भाई। सुबह ले लिया घूम रहे, अरे मस्त है यार, सिटिंग बढ़िया है ना। वेलकम टू उदयपुर भाई, लोग देख रहे हो पहुंच गया हूँ इतना जल्दी उदयपुर। अभी थोड़ी देर पहले नॉर्थ ईस्ट में था, अभी उदयपुर में, देख रहे हो कितना जल्दी पहुंच जाते हैं अपन। चलो भाई आ तो गए हैं, चलो भाई सब रूम रेलवे स्टेशन से उतर गए। अभी 4.5 किलोमीटर है चलना, तो चलेंगे और देखते देखते चलते रहेंगे भाई। अपन जा रहे हैं इंडिया इंडो बांग्ला मैत्री ब्रिज ऐसा कुछ नाम है, वहाँ जा रहे हो। देख रहे हो भाई वेदर शानदार है भाई एकदम, है ना। तो भाई सब रूम में आपको मिलेगा इंडो पार्क मैत्री ब्रिज और नजरुल पार्क, और एक और पार्क है शकुंता ऐसा कुछ नाम है उसका, ये देख सकते हैं। और बाज़ार वगैरह है, बाकी इतना कोई ख़ास नहीं है। मैं जा रहा हूँ पर्सनली ब्रिज के लिए, जहाँ खड़ा रह के फ़ोटो खींचना है अपन को, और तो उसी के लिए जा रहा हूँ। बाकी बाज़ार वगैरह है क्या ही देखे, ऐसे देखोगे तो हर शहर में सेम ही मिलता है हर चीज़, इसलिए मेन जगह देख लीजिए, बाकी सब दिख जाएंगे आपको। देख रहे हो कितना स्वाद गाँव भाई, एकदम बढ़िया, लोग भी बढ़िया भाई। अभी तक तो जिनसे भी बोला अच्छे से जवाब दिया, एकदम शांत है भाई पूरे, है ना, जैसे कोई है ही नहीं गाँव में। और मस्त है यार वातावरण, एकदम ठंडा ठंडा, क्या बताऊँ, ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा है बट ठीक है चलेगा भाई। देख लो बांग्लादेश और इंडिया की फेंसिंग आ चुकी है वापस, अभी त्रिपुरा वाले साइड का बॉर्डर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस ब्रिज पे सामने, जो कि मैत्री ब्रिज बोलते हैं उसे, चलते हैं फिर वहीं बनाएंगे वीडियो भाई। तो भाई लोग फाइनली पहुँच चुके हैं इंडो बांग्लादेश मैत्री ब्रिज, देख रहे हो भाई कितनी तगड़ी फेंसिंग कर रखी है, कोई कैसे आ जा सकता है भाई, है ना। और देखो ये है भाई, हम उधर है बांग्लादेश, अपने हैं इंडिया, तो वो काम काज चल रहा है वो सब बांग्लादेश में चल रहा है भाई सामने, है ना, तगड़े वाले भाई। ओहो स्टॉप, यहाँ से आगे ना जाए, नहीं जाएंगे भाई नहीं जाएंगे। फ़ोटो कैसे खींचे यार, फ़ोटो के बिना बैंक सब दूर है क्या भाई। लोग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, जो कि फैनी रिवर पर बना हुआ है ब्रिज है, और देख रहे हो भाई फेंसिंग कितनी तगड़ी कर रखी है, कोई इधर से उधर आना जा सके। और वो है सामने बांग्लादेश, ये है अपने इंडिया के जवानों के जो निगरानी रखने के लिए है, और यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, तो नहीं जाए तो बेहतर है भाई, है ना। और वो सामने जो है वो है बांग्लादेश भाई, इतने करीब से पहली बार देखा है मैंने भी, मैं गया हूँ बॉर्डर पे बट इतना वो नहीं, मतलब इतना वो नहीं देखा
मशीनें चलती हुई, वो सब देखिए, वो बांग्लादेश में काम चल रहा है ना। और ये रहा सामने, कुछ खेती वगैरह हो रखी है उस नदी से, उस तरफ बांग्लादेश है, इधर इंडिया है, वो ये इंडिया की है, वो बांग्लादेश का है भाई, उधर उधर से सारा है ना, तगड़ा वाइफ से। भाई पहुंच चुका है भाई, है ना, नेक्स्ट लेवल भाई, है कुछ बात तो है भाई, वरना ऐसे ही क्यों लोग यहाँ आते, कुछ अलग तो फीलिंग होती है। बाकी यार आर्मी के जवान नहीं दिख रहे सब, मेरे हिसाब से कहीं खाना वाना खाने गए होंगे, है ना। चलो भाई देख लिया बॉर्डर, तो ये है लैंड बॉर्डर, पोर्ट बनेगा लैंड पोर्ट, जो सारी चेकिंग होके फिर सामान जाएगा। और ये तो चेक पोस्ट है भाई 96 भी, आज को चेकिंग वाले या सिक्योरिटी वाले है ही नहीं यार, निगरानी वाले कहाँ चले गए सब आर्मी वाले भाई। और भाई अभी अपन निकलते हैं, यार भाई बोल रहे हैं कि वो रास्ता सही नहीं है, तो अपन बॉर्डर की तरफ नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे सीधे उदयपुर या फिर शांति नगरपुर, ऐसा कोई नाम है वहाँ से, और राइट ले लेंगे, है ना। सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है भाई अपनी। आर्मी के जवान मिल गए, केले दे दिए भाई, अब केले खाते खाते चलेंगे। और ये भी पकाए हुए नहीं है, ये अपने मतलब दे पके हुए ही है ऊपर भाई। चलो खाते हैं केले, और भी सब के मिलते रहेंगे। और जब आर्मी ने कह दिया भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाकी कुछ भी बोले, जिन पे भरोसा है उन पे। बाकी यार पसीने की बात तो है, देखो मुझे गर्मी नहीं लग रही है, बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वो इस वजह से वो पसीना आ रहा है। बाकी गर्मी नहीं लग रही है, शरीर एकदम पूरा सूखा पड़ा है, पता नहीं मुँह पे ही क्यों ह्यूमिडिटी की वजह से पानी जम रहा है। चलो भाई केले खाते हैं फिर। सुनने दे रही है अजान हो रही है उधर बांग्लादेश में। ओ भाई बढ़िया यार, जैसे कैमरा में देखा वैसे वैसे ही भाई, टीवी में बॉर्डर वैसे ही लाइफ स्टाइल है, वैसे ही खड्डों में पानी भरा है ना। और ये रहा पास पास में बांग्लादेश का बॉर्डर, जहाँ से स्मगलिंग होती है, लेकिन हमारी तरफ से अभी पूरी कर रखी है दबा के, तो अभी कोई स्मगलिंग नहीं होती है, होती है लेकिन वो उधर म्यांमार के साइड से होती है, इधर से भूलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। चलिए भाई, ए भाई यार BSF के जवानों से बातें करते करते चलते रहेंगे। बढ़िया है भाई, अब ये जो फेंसिंग है ये 300 मीटर अपने दायरे में है भाई, इंडिया के इसके 300 मीटर बाद तक, 300 फीट शायद या मीटर ऐसा कुछ बताइए आप कमेंट करके। वो उधर अपनी ज़मीन है, तो उधर किसान जाते हैं सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक, 8 बजे तक वहाँ उस तरफ जा सकते हैं और आ सकते हैं भाई। देखिए वो भैया गए हैं, तो जा सकते हैं आ सकते हैं, आधार कार्ड जमा करवाइए और जाते रहिए आते रहिए। ये है भाई लोग रबड़ का पेड़, और इसको ऐसे छीलते जाते हैं, और ऐसे देख छील के छोड़ दिया जाता है और रबड़ निकल रही है। देखिए ये रही रबड़ फिर अलग अलग भाई, ये तो काफ़ी मजबूत है यार, देख रहे हो ये सारे पेड़ रबड़ के, टायर वगैरह जो बनाने बनती है इनसे, वो टायर वाले नहीं रबड़ है, दूसरी वाली रबड़ है भाई। देखो ये रे पत्ते रबड़ के ऐसे होते हैं भाई आम की तरह। चले भाई भागते हैं, ऐसे गेट लगे हुए हैं, गेट का टाइम है 6 बजे से 5 बजे तक, 96 नंबर। और ये बाथरूम इनका, और हमारे जवान
यहाँ से निगरानी रखते हैं, तो देखते हैं ऊपर जाके कैसा लगता है भाई। अपन भी एक ट्राई तो करें यार एक बार, है ना, ऊपर जाके देखे तो सही कैसा लगता है। चलिए चढ़ने का इधर है तो चढ़ते हैं भाई। अरे भाई ऊंचा है यार ये तो, एक यार मैं तो फंस गया भाई। ओह छाता पड़ा है। अरे ये देखिए भाई, ये कट्टा है, मूंज भरी है जिसमें, ऐसा कुछ दिखता है भाई। हाँ यार यहाँ यहाँ से नज़र रखते हैं ऐसे हमारे जवान। ऐसे देखिए, ओह सामने 300 फीट के आ गया, 100 फीट है 300 फीट ऐसा कुछ है यार, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, आप बताइए। वहाँ से आगे बांग्लादेश है और ये फेंसिंग है, और ये हमारे किसी किसान भाई का खेत है जिसमें रबड़ के पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है यहाँ से चेक कर रहे हैं भाई, है ना। चलिए भाई उतरते वापस, नहीं तो कहीं गिर गिर आ गए तो बस। तो भाई एग्जैक्ट पता चल गया है 150 मीटर के दायरे के, 150 मीटर छोड़ के फिर अपनी फ्रेंचिंग की हुई है। चलो भाई थोड़ी देर आराम किया यहाँ बैठ के, बढ़िया। और ये है सीमा चौकी घाघरा बस्ती, तो यहाँ से अभी निकलते हैं भाई, अति मिरी में चलते हैं आगे, क्योंकि अभी बहुत चलना है भाई बहुत। और आज अपन रुकेंगे भी किसी निगरानी करने वाले बख्तर में ही, हाँ जी वहीं कैंप करेंगे आज। देख रहे हो कितना तगड़ा जंगल है वो, एकदम गहरा गहरा, इसमें स्मगलिंग करेंगे तो क्या ही पता चलेगा भाई। बहुत टफ काम है इंडियन आर्मी का, हाँ भाई है ना। और एक फेंसिंग वापस आ गई सामने, पास पास में ही चल रहे इसके। चलो भाई थोड़ी देर गाने वाने सुन लिए और यहाँ आराम कर लिया और एक दो स्पीकर लगा लिए, बस अभी भागते हैं भाई, क्योंकि चढ़ना पड़ेगा भाई। अभी कोई आएगी चेक पॉइंट वहाँ सोएंगे, वैसे यहाँ भी सो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बारिश से तो बच ही जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं सोएंगे भाई, पास में ही बोल रहे। ओह भाई 25 किलोमीटर चढ़ने के बाद कौन सा कहाँ भाई, यहाँ पूछना पड़ेगा भाई। बच्चे डर रहे हो भाई, इनको अपनी बस आती नहीं है तो डर के भाग गए। चलो कोई नहीं, भाग जाते हैं भाई, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि इनको हिंदी आती नहीं है, बड़ों बड़ों को नहीं आती तो इनको कहाँ से आएगी भाई। देख रहे हो किस जगह से निकल रहा हूँ, ऐसे करते करते पूरा बॉर्डर कर लेंगे अपन। ने बांग्लादेश की पोस्ट फ्लैग लहरा रहा, देख लो है ना, वो हो रहा देखिए सामने। और अपन है यहाँ भाई साहब, पूछो मत यार, ये सब वालों ने पकड़ दिया था भाई बर्ड। ओहो 2 घंटे पूछताछ की भाई, बैग का एक एक चीज देखा, लैपटॉप के सारे वीडियो देखे, सब कुछ चेक किया, कैमरा चेक किया। अच्छा हुआ मेरा दूसरा मोबाइल डाउन था और वो एक साइड वाले पॉकेट में था भाई बैग के, जो निकला नहीं क्योंकि वीडियो सारी उसमें थी। और गोप्रो में मैं बोला बैटरी लो है, चालू किया तो वीडियो इसका गोप्रो ने बचा दिया भाई, गोप्रो चालू ही नहीं हुआ, मतलब चालू तो हो रहा था भाई, वीडियो प्ले नहीं कर रहा था भाई गोप्रो भाई। वही टैंकर आर्मी वाले फिर मिल गए, फिर केले दे दिए, चलो केले खाते खाते चलेंगे। तो भाई अच्छा हुआ गोप्रो तूने बचा दिया, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती मेरी, बहुत परेशानी हो जाती बहुत। चलो बच गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है वैसे अपने पास तो कुछ था नहीं, उन्होंने पूरे देखे सब खोल खोल के, और वो तंबू की स्टिक है, उन्हें बोलते हैं कि भाई तेरा एंटीना कहाँ तक काम करता है। मैं सर जी एंटीना नहीं है, ये
इसके टेंट का है। और सर हाँ, अपने उधर के थे 2-3 बंदे जवान, उन्होंने समझाया, तब जाके थोड़े थोड़े समझे, फिर अभी बोला कि बेटा इधर नहीं आने का। हाँ, मेरे को तो पता था कि ऐसा ही होता है भाई, पर क्या करे, कभी कभी एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ख़राब नहीं था, देखिए वो तो सिक्योरिटी के हिसाब से है तो सही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ लाख लाख बच गए भाई, नहीं तो ज़्यादा हो जाता तो फिर क्या है, वो तो सारा और दिखाना पड़ता, जो जो मतलब थोड़े और सबूत देने पड़ते, बाकी तो क्या ही होते, और थोड़ी बहुत मार खानी पड़ती और तो क्या होता। चलो भाई चलते, आ गई, लेकिन बॉर्डर से थोड़े दूर रहेंगे, चलेंगे लेकिन बॉर्डर पे जाएंगे, लेकिन मतलब मेन जगह पे जाके वापस आ जाएंगे, ऐसे कंटिन्यू नहीं चलेंगे, ये उन्होंने बोला। तो सही है भाई सेफ्टी के हिसाब से, और 7 बजे के बाद में वैसे ही मैं नहीं चलता, तो मेरे को भी भागना पड़ेगा भाई, 13-14 किलोमीटर चलना है। चलिए भाई मिलते हैं आगे कहीं। चलो भाई 3 किलोमीटर और रहा है सबरूम, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और मिलेंगे कल नए वीडियो में। शायद उदयपुर जाऊंगा या फिर अगरतला, दोनों में से एक जगह से, क्योंकि अभी मेरे को मिजोरम उधर से जाना पड़ेगा, मतलब दूसरे रूट से, इस रूट से परमिशन नहीं मिलेगी हमें, वैसे ही बहुत मुश्किल से छुट्टी अभी क्या ही परमिशन लें इनसे। चलिए भाई, त्रिपुरा की परमिशन तो मिल गई, मिजोरम में पकड़ दिया था, तो चलिए भाई कोई नहीं, इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं अगले वीडियो में।